Okay, before proceeding to break, I gave you these two questions. So how many of you have done? Yeah, I guess, you know? Yes, sir. Yes, sir. Shabash, very good. देखिए हर वो बच्चा जो enthusiastic है, जिसको ये जज्बा है कि मैंने पढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो उसको जो भी काम दिया जाएगा करेगा. देखिए सही होना या गलत होना बात की बात होती है, but nevertheless आपके अंदर जो एक जज्बा है ना कि हाँ जी मुझे कुछ करना है. बाहर खड़े हो गए दरिया के, हम कहें कि मैं लर्निंग कर लूँ स्विमिंग की, वो नहीं हो सकती टिल यू जंप इनटू द रिवर. तो इसी तरह आप लोग भी जब तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, मे भी गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट करना जो है ना वो आपका पहला जिम्मेदारी है. शाबाश. मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर कौन बता रहा है, यानी एड वाला ए पार्ट? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए, नाम बताएं पहले. नाम? महनूर. महनूर, शाबाश, बताइए. सर फर्स्ट वाले का है 7x की पावर 4. हाँ 7x की पावर 4 वैसे ही रहेगा क्योंकि आगे x की पावर 4 नहीं है, तो इट कांट बी एडेड, सो इट विल रिमेन एज 7x पावर 4. शाबाश. नेक्स्ट प्लस 3 प्लस x की पावर क्यूब, राइट, एंड प्लस 4x, ओके ठीक है, प्लस 5, नाइस, शाबाश. चलिए जनाब, हु हैज डन द सेकंड पार्ट बी पावर? ये जो फर्स्ट टर्म है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये नीचे लिखेंगे आप, और जो सेकंड टर्म है इसको आप ऊपर लिखेंगे, और फिर साइन चेंज करेंगे, दैट आई डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन. तो हु हैज डन द आंसर बताइएगा. अब जो आप कोई लड़का बताएगा, शाबाश. नाम बताओ पहले बेटा. मोहम्मद जुबैर. हाँ यू टेल मी द आंसर. 3x की पावर 4 as it is, क्योंकि नीचे कोई नहीं है ऐसी x power 4, fine. Yes, sir. Then? Minus 2x की पावर क्यूब. ओके, माइनस 2x क्यूब, फाइन, बिल्कुल ठीक है. प्लस 7x स्क्वायर. क्या? प्लस 7x स्क्वायर की पावर स्क्वायर. जी जी. माइनस 4x प्लस 8. हाँ? माइनस 4x प्लस 8. प्लस 8 आ रहा है? यस सर. ठीक है, बिल्कुल सही. शाबाश, वेल डन. देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कहा होगा छोड़ो बाद में कर लेंगे. ये बात कभी नहीं आती, जो वक्त आपके पास अभी है दिस इज द बेस्ट टाइम, और इसमें आप लर्निंग कर लीजिए जितनी सीख सकते हैं. अब इसको पेंडिंग नहीं करना चाहिए. शाबाश, वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्लास 7th क्लास के बच्चे को भी हम दें तो वो इंशाल्लाह कर लेगा. जनाब, कैलकुलेटर आप लोग को आता होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटर आपको सिखा दूंगा बाद में. ये टी कार्ड में रख गया, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थोड़े से आपको सामने लिख रहा हूँ. परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस. जबानी क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये क्लास 5th, 6th, 11th. बताइए ए पार्ट का आंसर क्या होगा. यू आर गोइंग टू एड 3 टर्म्स, है ना? 8x. बहुत आसान क्वेश्चन. मैंने जिससे देखा था कि आपके दिमाग का प्रोसेसर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस ये चीज चल. Who will tell the answer for the B part? जल्दी शाबाश. Sir, ma'am. 10x plus 4y. कुछ बच्चों को, लड़कों को भी मौका दें. हाँ जी. Who is going to tell? Any boy? Sir, 10x plus 4y. 10x plus 4y. बिल्कुल ठीक है. C part. जी. Who is that going to tell? -3x - 6. बिल्कुल ठीक. डी पार्ट का जल्दी से बताइए. 15x - 15. यानी 5 से पहले ब्रैकेट खोल देना, ठीक है ना? 5 टू द 10x हो जाएगा और -15 हो जाएगा, ठीक है? अब वो 10x और इधर है शुरू में 5x. तो 10x और 5x कितना हो गया? 15x हो गया. 15x - 15. ये वो क्वेश्चन है, अगर किसी का दिमाग थोड़ा सा भी काम कर रहा होता है तो वो जल्दी भी कर सकते हैं. ओके, हु कैन मल्टीप्लाई दिस टू ब्रैकेट्स ई पार्ट? जल्दी. सर x² - 2x - 8. शाबाश, बिल्कुल ठीक. x के
अब देखिएगा ये एक दफा 2x बनेगा एक दफा माइनस 4x बनेगा सिंपली आपने सिंपलीफाई किया तो माइनस 2x आ जाएगा x square minus 2x minus 8 is the answer right who will solve this bracket square wali square खोलना आता है ना a plus b का whole square formula लगेगा yes yes exactly exactly formula लगेगा a plus b का whole square का formula तो क्या बनेगा x square plus 4x plus 4 यही बनेगा ना पहले दूसरी ब्रैकेट का बनेगा x square minus 4x plus 4 तो minus 4x और plus 4x तो cancel हो जाएगा ठीक है तो क्या बचेगा x square इधर भी है उधर भी x square तो 2x square हो गया और 2x square plus 8 plus 8 2x square plus 8 वो ले लेंगे 2 common ले लेंगे ना ले छोड़ दें ऐसे ही रहने दें 2x square plus 8 हो गया आंसर इसको कौन करेगा g part sir 22 upon 15 very good ये उल्टा हो जाएगा ना नीचे वाली term जब हम ऊपर लाके multiply करते हैं तो ये upside down हो जाती है numerator डिनोमिनेटर से इंटरचेंज हो जाता है तो 11 ऊपर आ जाएगा तो 2 into 11 22 हो जाएगा और नीचे वाला 5 3 का 15 भाई ये सबको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए जो लोग खामोशी से बैठे हुए हैं ये मत समझें उनकी जान छूट गई जी एच पार्ट कौन करेगा एच पार्ट देखो 20 अपॉन 3 5 एक टर्म है और 3/4 है जब हम इसको ऊपर लाके करेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना ये नीचे वाली टर्म यस सर ये रेसिप्रोकल हो जाएगी तो 5 4 20 और नीचे 3 20/3 और ये लास्ट वाला 7/24 बिल्कुल ठीक है 7/24 7/24 8 3 is 24 ठीक है ना क्योंकि 8 के नीचे 1 है तो जब हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये 1/8 हो जाएगा ओके तो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने अपने दिमाग से बैठ के लिखे थे ताकि आपको जरा सा ये प्रैक्टिस करा दी जाए कोई बच्चे इसमें भी गलती करते हैं तो लॉट ऑफ गुड थिंग्स अब देखिए यूज ऑफ कैलकुलेटर में ये कुछ चीजें मैंने आपके बुक से निकाल के दी आपके सामने नोट कर लें अपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना सीख लीजिएगा यू विल रिक्वायर अ साइंटिफिक कैलकुलेटर फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टेक्स्ट द कीज व्हिच शैल बी रिक्वायर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आर मैथमेटिकल फंक्शंस में पहले ऐड के लिए प्लस का साइन सब्ट्रैक्ट माइनस साइन मल्टीप्लाई क्रॉस डिवाइड डिवीजन का निशान चेंज ऑफ साइन प्लस माइनस स्लैश करके लिखा हुआ है स्क्वायर एक्स की पावर 2 लिखा होगा आपके कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट अंडर रूट का निशान नजर आ रहा होगा अगर हमने एक्स की फर्स्ट कर ले एक्स और वाई है तो अगर फर्स्ट कर ले 3 की पावर 7 लेनी है तो आप पहले 3 लिख लेंगे तो फिर ये बटन दबाएंगे एक्स की पावर वाई वाला तो पावर खुल जाएगी उसकी पावर 7 ले लेंगे कुछ कैलकुलेटर्स मुख्तलिफ होते हैं वहाँ पे एक्स के ऊपर कैप बना होता है तो कैप का भी मतलब ये थे पावर याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर हम पावर 7 कैसे लें तो आप एक्स किया तो ऊपर कैप बना होगा डिफरेंट कंपनीज के कैलकुलेटर्स होते हैं तो उनका स्टाइल भी अलग अलग लिखा बना होता है बराबर तो ये एक्स पावर वाई ये होता है पावर के लिए अगर आप एक्स को 2 रख दिया और पावर 3 लिख दिया तो 2/3 एक आंसर आ जाएगा रूट के लिए होगा एक्स के ऊपर पावर 1/y ये भी बटन आपको मिल जाएगा तो अगर आपने क्यूब रूट लेना है तो 1/3 हो जाएगा अगर कुछ अंडर रूट लेना है 1/2 हो जाएगा 1/10 हो जाएगा जो भी पावर आपने 1/ करनी हो जाएगा लॉग टू बेस 10 ये होता है एलओजी और लॉग टू बेस ई यानी नेचुरल बेस तो ये एलएन होता है ये दो लॉग का फर्क रखिएगा ये दो बटन आपको नजर आएंगे एलओजी का मतलब होगा इट्स बेस इज 10 और एलएन का मतलब होगा इट्स बेस इज ई ये नेचुरल लॉग कहलाता है ओके इनका एंटी लॉग लेने के लिए हम यहाँ लिखते हैं 10 की पावर एक्स इसका एंटी लॉग है और इसका एंटी लॉग लेना हो तो ई की पावर एक्स ठीक है दी मेजर कीज क्लियर मेमोरी पुट इनटू मेमोरी ऐड टू द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द कंटेंट्स ये सब कुछ मेजर कीज आपके सामने नजर आ रही होंगी और जो जो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी ग्रिप बढ़ेगी देखिए मैंने कैलकुलेटर की फिगर भी बना के दी आपको ये देखिए अभी आप थोड़े से कुछ वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करके दिखाइएगा देखिए माशाल्लाह ये है ना अंडर रूट अगर स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे शायद स्क्वायर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स के ऊपर डब्बा बना हुआ है ना छोटा सा इसका मतलब है एक्स की जो भी पावर आप लिखना चाहते हैं
थ्री है, फोर है, टेन है, यहाँ पे आ जाएगी. ये लो जी टू द बेस 10, एल एन टू द बेस e. और ये सारे सिंबल हैं, साइन कॉस टेंजेंट, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. और ये ब्रैकेट शुरू करनी है, ब्रैकेट बंद करनी है. इस बटन को जब पुश करते हैं तो फ्रैक्शनल नंबर जो है वो डेसिमल में आ जाता है, याद रखिएगा एस डी. ठीक है, इससे आपको फ्रैक्शनल नंबर विल बी शोन इन द डेसिमल. सर ये सिर्फ ओरिजिनल कैलकुलेटर में होता है, लोकल में नहीं होता. हाँ लोकल में नहीं होता, ये बात ठीक बात पर. लेकिन लोकल में आते शायद डेसिमल में आंसर आता है ना. यस सर. हाँ उसमें आते डेसिमल में. तो ये जरा बेहतर कैलकुलेटर खरीदे क्योंकि अब आपने हायर क्लासेस में जाना है तो सारी चीजें अच्छी हो जाएगी. दिस इज वन ऑफ द गुड क्वालिटी कैलकुलेटर. अब ये देखो कितनी अच्छी बात, अभी आप इनको पर पढ़ा रहा था एनसीआर और एनपीआर. ये नीचे नजर आ रहा है एनसीआर एनपीआर. ठीक है, इसको कहते हैं परमुटेशन, ये कहता है कॉम्बिनेशन. तो चूंकि ये जो चीजें नीचे लिखी हुई होती हैं उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको शिफ्ट दबाना पड़ता है. ये बटन देखिए शिफ्ट का, इसको दबाएंगे और इसके बाद आप अगर ये बटन दबा देंगे तो एनपीआर वाला आ जाएगा परमुटेशन, अगर ये बटन दबाएंगे तो कॉम्बिनेशन आ जाएगा. ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे, देखो पहले आप शिफ्ट दबाएंगे और एक्सपोनेंशियल के लिए ये एल एन नेचुरल लॉग है ना, इसके नीचे नजर आ रहा है ई. आप बटन दबाओगे शिफ्ट दबाने के बाद तो ये नीचे वाला ई आ जाएगा. अब ई की पावर टू लेनी है, थ्री लेनी है, वो उसके आगे आप लिख दें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, एक्स क्यूब लेना है तो जाहिर इसको डाउट शिफ्ट को दबा के दबाओगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा. जो आप एक्स क्यूब लेना है तो ये दबा लें, उसकी पावर थ्री लेंगे तभी भी एक्स क्यूब आ जाएगा. ये सारे फंक्शन आप वाले, ये फैक्टोरियल है, यानी अगर सेवन फैक्टोरियल का आंसर डालना है, शिफ्ट दबाए सेवन लिख के शिफ्ट दबाए और ये दबा दें सेवन फैक्टोरियल बन जाएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा. यह एक्स की पावर माइनस वन है, यानी रेसिप्रोकल लेना है. अगर वन बाई टू है और आप चाहते हैं कि इसको उल्टा कर दिया जाए तो आप ये बटन दबा के आप आंसर दबाइएगा तो वो टू बन जाएगा. ठीक है, सेवन बाई फिफ्टीन है तो वो फिफ्टीन बाई सेवन भी चेंज हो जाएगा. तो ये रेसिप्रोकल का फंक्शन है ये वाला, और अगर शिफ्ट दबा के दबाएंगे तो वो फैक्टोरियल बन जाएगा. तो ये सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए. ठीक है, यहाँ से ऑन होगा, बंद करना है तो आप शिफ्ट दबा के इसको ऑफ कर दें, आपका कैलकुलेटर बंद हो जाएगा. नीचे देखें कॉस इनवर्स साइन इनवर्स भी दिया हुआ है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, ऊपर से साइन कॉस नहीं है. ये तीन फंक्शंस पता चल जाएं तो उनके रेसिप्रोकल ले लें तो आपको बाकी तीन फंक्शन मिल जाते हैं. तो ठीक है माशाल्लाह, ये आपका कोर्स बड़ा अच्छा है, सो सिंपल, आराम आराम से पढ़ते जाइए थोड़ा थोड़ा करके. पीटर कूफ्टिंग की बुक अगर किसी को मिल जाए. अच्छा, एनीबॉडी हु अमंगस्ट यू हैज डन हिज इंटरमीडिएट फ्रॉम फेडरल बोर्ड, किसने किया है फेडरल बोर्ड से, किया किसी ने, या सबने कराची बोर्ड से किया? सर टेक्निकल बोर्ड से किया है, सिन टेक्निकल जो है ना. तो वो कौन सा सिलेबस फॉलो करते हैं, फेडरल बोर्ड वाला या आपका कराची बोर्ड वाला, या अलग होता है उनका सिलेबस? कराची बोर्ड से सिमिलर होता है जी, कराची बोर्ड से सिमिलर, इंटर बोर्ड से जो होता है उसका सिमिलर होता है. फेडरल बोर्ड का थोड़ा मुश्किल होता है ना, फेडरल का बोर्ड. प्रैक्टिस कीजिएगा. चले अब मैं आप सबको एक सवाल दे रहा हूँ कैलकुलेटर के हवाले से. ऑल ऑफ यू, मुझे अभी सब लोग अपना कैलकुलेटर है आप सबके पास, ऑल ऑफ यू इज हैविंग, यस सर. ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालिए ई पावर थ्री. मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अपने कैलकुलेटर में. ऑल ऑफ यू, ई पावर एक्सपोनेंशियल पावर थ्री, जल्दी से बताएं. Who has got? 20.0855. बिल्कुल ठीक है, 20.08553692, राइट? 92. यस सर. वेरी गुड. पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? पाई का मतलब याद होती है ना, थ्री पॉइंट
आपने ऐसे निकाला है ना पाई की वैल्यू, पाई का फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है पाई का? देखाएंगे पाई जो ऐसे नंबर होते हैं ना डेसिमल के बाद चल रहे हैं चल रहे हैं और रुक नहीं रहे, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकता नहीं है, और फिर नॉन रिपीटिंग, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, कभी टू आ रहा है, कभी एट आ रहा है, फाइव, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग सेम ना आ रहा हो, डिफरेंट आ रहा हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ये क्या कहलाता है? पाई इज व्हाट? पाई इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा देखो, फाइव को फोर से डिवाइड करें तो क्या आएगा, बताएं क्या आ रहा है? फाइव को फोर से डिवाइड करके बताओ सर। फाइव अपॉन फोर है फ्रैक्शन में और डेसिमल में 1.25। रुक गया ना, ठीक है, शाबाश, 1.25। पॉइंट के बाद 25 तो आया, उसके बाद हमारी डिवीजन खत्म हो गई, रुक गई। इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग केस है ये, तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं रैशनल नंबर। समझ आ रही बात? तो 5/4 इज इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 ये निकाल के देखो जरा, लुक एट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2, कितनी आ रही है बताओ सर? 1.41421562। नहीं ना, रुक रही, ये भी रुक नहीं रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नंबर भी बदल रहे हैं साथ साथ, तो अंडर रूट 2 क्या कहलाएगा, रैशनल या इरेशनल बताएं? क्या नंबर इरेशनल होगा? इरेशनल होगा, तमाम वैल्यूज जो अंडर रूट में होती है ना वो इरेशनल होती है, याद रखिएगा, सिवाय उनके जिनका स्क्वायर रूट कंप्लीट निकल आता है, जैसे 4 है वो इरेशनल नहीं क्योंकि उसका अंडर रूट 2 आ जाता है, 9 है वो भी इरेशनल नहीं है, 16 है वो भी इरेशनल नहीं है क्योंकि उसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी चीजें जिनका आंसर निकल आता है वो तो फाइन आना, लेकिन जिनका आंसर नहीं निकल रहा अंडर रूट में, दे आर ऑल इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम डिवाइड करें तो टर्मिनेट हो जाए, डेसिमल के बाद 2-4 फिगर्स निकले और वो रुक जाएगा, ठीक है। चले, ये आप अच्छी तरह समझ लें इनको, और ये देखो यहाँ पे पाई नजर भी आ रहा है इनिशियल, तो अगर हम शिफ्ट दबा के पाई की वैल्यू निकालें, चले अपने कैलकुलेटर में देखें, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट दबाया तो पाई आ गया ना, पाई सडन हुआ टॉपिक। ये देखिए अब आपके सामने सॉल्विंग द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, यानी एक ही वेरिएबल रह रहे हैं, मैंने एक्स ही रख रहे हैं, वेरिएबल हमारा एक्स हो गया। फर्स्ट डिग्री का मतलब होता है द पावर इज वन। इसका कोई दूसरा नाम बता सकते हो? इसका एक नाम और भी है ऐसी इक्वेशन का जहाँ पावर वन होती है, बोले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, गुड। सो ऑल द इक्वेशंस व्हिच आर कीपिंग द पावर वन, या एक्स की पावर वन है या एक्स की पावर, तो दिस इज लीनियर, ये भी लीनियर है बट इन थ्री वेरिएबल्स है, आर एस टी, ठीक है। इससे नीचे वाली भी लीनियर नहीं, ये लीनियर नहीं है, ये कौन सी कहलाएगी? व्हाट नेम फॉर द थर्ड इक्वेशन, क्या नाम इसका? क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी, या इसको सेकंड ऑर्डर कहेंगे, सेकंड डिग्री सॉल्विंग। ये फर्स्ट डिग्री क्वेश्चन हम करेंगे जी, बोले बोलो
जी क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? लोगों ने भी लगाया जा रहा ये बातें कौन कर रहा है बेटे? प्लीज अवॉइड इट सर, माइक बंद कर दे सबके, तो फिर आप लोग से मेरी गुफ्तगु नहीं होगी ना। वो तो करना मेरे लिए सबसे आसान है, आप सबके माइक को मैं म्यूट कर दूंगा, खत्म हो जाएगा कहानी। इसीलिए मैं कहता हूँ शराफत से बैठ के पढ़े, इट विल बी गुड फॉर यू। देखिए टीचिंग और लर्निंग जो होते हैं ना, ये टू वे कम्युनिकेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ मुश्किल लग रही है तो आप उससे पूछ लें। आरिस ये बंद करो अपना, महानूर अपने अपने ये बंद करें माइक, गलत चीज़ है ना, जो चीज़ गलत है उसको गलत समझा करें। An equation states the equality of two algebraic expressions. देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि ये एक expression है 3x minus 10, ये 22 minus 5 is another expression. इसके दरमियान equality डाल दी, equality का मतलब equal to का sign, तो ये equation बन गया, okay? ये equation बन गया। और जहाँ पे equal to का sign नहीं है वो equation नहीं कहलाएगी, वो expression कहलाएगी, याद रखना। आप सब लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, खासतौर पे जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे बीच में इक्वल टू के निशान गायब हो जाते हैं आपके। अगर ये गलती आप ऐसे किसी ने की, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि यू विल बी देन पेनलाइज्ड फॉर दैट। एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में यही तो फर्क है कि इक्वेशन में आपका इक्वल टू का साइन नजर आना चाहिए हर स्टेप में, ये नहीं कि चार स्टेप बगैर इक्वल टू के साइन डाले और छठे स्टेप में फिर लिख दिया आपने इक्वल टू, तो उसके पिछले स्टेप में कहा गया। एवरी स्टेप नीड्स अ क्लियर एक्सप्रेशन, प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड कंप्लीट एक्सप्रेशन। चलिए मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं आपको, देखें ये आपके सामने आ रही है। सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, इसमें और भी सवाल है, 24 क्वेश्चंस आर देयर, मैं इसमें से आपको कुछ करा रहा हूँ, सम जो थोड़े से वैरायटी में चेंज आ रही है मैं इसमें से कुछ करा रहा हूँ, द रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। आज जो अच्छे बच्चे होंगे वो अपने रजिस्टर्स खोल लेंगे, अपने रजिस्टर में ट्राई टू डू, अगर तमाम क्वेश्चन नहीं कर सकते तो कम अज कम जिसमें एक वैरायटी आ रही है, चेंज आ रही है, एक ट्विस्ट नज़र आ रहा है आपको इस क्वेश्चन में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं या फ्रैक्शन में नंबर आ रहे हैं तो इनमें से एक दो सवाल कर लें, या ब्रैकेट्स में है ये कर लें, ये ब्रैकेट्स में इनमें से कुछ देख लें, ठीक है? तो सी सम सॉल्यूशन, सॉल्विंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, x माइनस फाइव, ये क्वेश्चन नंबर वन ले रहा हूँ, इज इक्वल टू 2x माइनस 8। आप देख लें यही आपका क्वेश्चन है, ये x माइनस फाइव इक्वल टू 2x माइनस 8। डैम सिंपल क्वेश्चन, आई होप एवरीबॉडी कैन डू इट। तो व्हाइल सॉल्विंग दिस इक्वेशंस यू आर टू ब्रिंग एवरी वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑल द कॉन्स्टेंट्स टू द राइट साइड। तो पहला वेरिएबल हमारा x ऑलरेडी है, इसको ऐसे रख दिया, इस 2x को जब हम राइट से लेफ्ट पर लाएंगे तो आई टेल यू दैट द साइन ऑफ दैट टर्म विल बी चेंज। ये हमेशा का एक कानून है, कीप इट माइंड इन माइंड फॉर एवर। कुछ लोग उधर से उठा के इधर वैल्यू रख देते हैं लेकिन वही साइन रख देते हैं, तो कितनी बड़ी गलती है ये। आर यू लिस्निंग मी? क्या करना है? हाँ शाबाश, क्या करना है हमने? वेन एवर वी आर गोइंग टू शफल वन टर्म फ्रॉम वन साइड टू द अदर, तो क्या करना होगा उसमें? कानून क्या कहता है कि चेंज द साइन ऑफ दैट टर्म, अगर वो माइनस है तो प्लस कर दो, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दो। तो यहाँ पर इसका साइन क्या था? प्लस टू एक्स, जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस टू एक्स। डन, इस माइनस फाइव को हम उधर ले जाएंगे, तो माइनस एट इज ऑलरेडी हियर, हमने इसको ऑलरेडी राइट पे है तो ये ऑलरेडी राइट पे, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसका साइन क्या बन जाएगा? माइनस से इधर आ रहा है प्लस हो जाएगा,
डन। तो ये स्टेप ही गलत अगर हो गया तो आगे फिर कहाँ आंसर ठीक आएगा। ओके देन एज यूजुअल आई टोल्ड यू द रूल ऑफ एडिशन, नाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। तो ये 1x है, अंडरस्टूड, 1 इज नेवर रिटन, 1x और ये माइनस 2x। तो द बिगर टर्म इज 2, 2 माइनस 1 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा, और विद द साइन ऑफ दिस टर्म माइनस x विल बी लेफ्ट हियर। सिमिलरली माइनस 8 प्लस 5 विल बी माइनस 3। सो ऑन आइदर साइड इज माइनस, यू जस्ट कैंसिल आउट दिस साइन एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द x। तो x इज 3। Damn simple, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 6, देखें आप इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, 5 टाइम्स 3 माइनस एक्स इक्वल्स 3 टाइम्स 5 प्लस एक्स। तो 5 टाइम्स 3 माइनस एक्स, 3 टाइम्स 5 प्लस एक्स जी, 15 माइनस 5x, ओके। और इसको आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी 15 प्लस 3x, खोल लिया। सो दिस इज द वे, याद रखिएगा वट एवर द कॉन्स्टेंट इज आउटसाइड द ब्रैकेट, तो दिस कॉन्स्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी टर्म। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं 5 3 15 कर दिया और इसको खाली माइनस एक्स लिख लिया, नॉट अ गुड वे ऑफ सॉल्विंग। You have to multiply each and every term inside the bracket. So 5 3 is 15 and minus 5x. Similarly, 3 5 is 15 and 3 is 1, so 3 is 3x. Now shuffle the terms. Minus 5x is already here. Keep it here on the left side. And you shuffle this term.